तुम पता करो नागा पांडे से सर्वमुक्ति योजना कहां तक पहुंची, कब तक इस काम को अंजाम दिया जाएगा। यही मैं सुनना चाहता था कि वाकई शारदा की सरकार गिरने वाली है और शंकर प्रसाद ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। रजनी वर्मा तो ये भी कह रही थी कि अब आप राजनीति में कुछ नहीं कर पाएंगे। और शारदा देवी की उस मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है और इस साल भी शारदा देवी जरूर जाएगी और महाशिवरात्रि के जागरण में भी हिस्सा लेती है। लेकिन ख्याल रखना, सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ज्यादा होगा। क्या शारदा देवी अपने भक्तों को जागरण करने से मना कर देगी? मंदिर की सुरक्षा का बंदोबस्त 2-4 दिन पहले शुरू होगा, जबकि सर्वमुक्ति योजना को कामयाब करने की तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। वाह नागा वाह, क्या प्लान बनाया है। बस ख्याल रखना कि ये प्लान नाकाम नहीं होना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता मंत्री जी। सुनिए, मैं उस दिन क्या करने वाला हूँ। हमने आपको सबसे बड़े ओहदे पर बिठाया है, आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का सबसे पहला फर्ज होता है अपने प्रदेश का विकास, और दूसरा होता है अपनी पार्टी और सरकार को कायम रखना, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे। देखिए, मैंने आपसे उस जनहित याचिका वाले मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए फोन किया है, और ये याचिका किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद हमारी सरकार के खिलाफ दायर की गई है। लेकिन पार्टी और सरकार को बदनामी से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आज की राजनीति का दूसरा एक और पहलू है, और वो है समझौता। देखिए, दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां भी सत्ता के लिए आपस में हाथ मिला ले। सक्सेना जी, पापा कहाँ है? जी वो अपने लीगल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपने खबर तो सुनी होगी ना। कौन सी खबर? यही कि शारदा जी उस घोटाले के लिए जांच आयोग बिठाएंगे, जो उस घोटाले की जांच करेगा और रिपोर्ट सरकार को देगा, और फिर सरकार उसको अदालत में पेश करेगी। हाँ सक्सेना जी, मैं भी इसी बारे में पापा से बात करना चाहता था। शंकर प्रसाद के बारे में जांच होने वाली, क्या हम सोच सकते हैं कि ये जांच निष्पक्ष होगी? शारदा देवी की ईमानदारी पर पूरा प्रदेश विश्वास करके बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि उस कमेटी में वही लोग हैं जो शंकर प्रसाद के हितैषी हैं, उनके समर्थक हैं। तब तो हो चुकी जांच और आ चुकी रिपोर्ट। राजवीर बाबू, राजनीति में लीपापोती तो होती रहती है, और जांच करते करते वक्त इतना गुजर जाता है कि जनता उसको भूल जाती है, और फिर चुपचाप ये रिपोर्ट सरकार को दी जाती है, और सरकार इसको अदालत में पेश करती है, और फिर ये मुद्दा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो सक्सेना जी, क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? अरे राजवीर बाबू, सर जी ऐसा नहीं होने देंगे। अगर RTI से जानकारी निकाली गई है तो इस आयोग की भी जानकारी निकाली जाएगी। लेकिन मैं ये सोच करके परेशान हूँ कि इस सब मुद्दों में शारदा देवी का नाम खराब होगा। जनता तो यही समझेगी ना कि शारदा देवी ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। नमस्ते मैडम। प्रदीप जी, मैंने पद ग्रहण करने से पहले खुद से प्रण किया था
मैं प्रज्ञा सर के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मैडम, लेकिन राजनीति में समझौता एक जरूरत बन चुकी है। अगर आप ये समझौता नहीं करती तो हो सकता है कि जनता की नजर में गिराने के लिए आप ही को भ्रष्टाचारी साबित किया जाए। प्रदीप जी, आप उस बारे में बात कर रहे हैं ना जो हमारे ऑफिस से कुछ गलत कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। जी मैडम, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर ये मुद्दा खुलकर सामने आ गया तो सरकार को बदनामी से कोई नहीं बचा सकेगा। जनता को क्या मालूम कि ये एक साजिश है और इस साजिश का सूत्रधार कोई और है। जनता तो वही देखती है जो उसके सामने आता है। अगर जनता के सामने ये बात आ जाए कि जिन कंपनियों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की जा चुकी थी उन्हीं कंपनियों को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो जनता की नजर में ये सरकार पूरी तरह से बेईमान साबित हो जाएगी। प्रदीप जी, अब तक ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हमारे ऑफिस में ये गड़बड़ी हुई कैसे? ये साजिश है और साजिश करने वाले साजिशें बहुत सोच समझ कर करते हैं। क्या आपको अजीब नहीं लगता कि दफ्तर से फाइलें गायब हो रही है? और तो जाहिर सी बात है कि अगर फाइलें गायब हो सकती है तो बाहर की फाइलें भी अंदर आ सकती है। इसका मतलब यही हुआ प्रदीप जी, हमारी ईमानदारी किसी को रास नहीं आ रही। हम पहले ये सोचते थे मैडम कि इन सारी साजिशों के पीछे बलदेव सिंह जी का हाथ है, लेकिन अब हमें ये शक हो रहा है कि कहीं इन सब के पीछे शंकर प्रसाद तो नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि अदालत में याचिका दायर की जा चुकी है। अगर आप शंकर प्रसाद की बात नहीं मानती तो हो सकता है कि आपको ये कहकर मजबूर किया जाता कि सरकार बदनाम होकर रह जाएगी, और शायद इसीलिए आपको मजबूर करके ये साजिश की गई है। और अनजाने में ही सही, हमने उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट तो दे ही दिए। प्रदीप जी, शक के आधार पर नहीं, मैं पक्के तौर पर जानना चाहती हूं हमें बदनाम करने के पीछे किसका हाथ है। मैडम, पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक तरफ शंकर प्रसाद जी आपके दुश्मन बने बैठे हैं तो दूसरी तरफ सर जी भी तो आपके दुश्मन बन चुके हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ये लगातार घटनाएं हो रही है ना, ऐसा लगता है कि आचार्य जी और शंकर प्रसाद शारदा देवी को सर जी का दुश्मन साबित करना चाहते हैं, और अगर बाद में आरटीआई के जरिए इस बात का मुद्दा बनाया जाएगा तो ये समझिए कि रिश्ता सचमुच में खत्म। हाँ सक्सेना जी, और इन सभी घटनाओं के बीच हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ऐसा कौन है जो माँ को पापा का दुश्मन साबित करना चाहता है, आचार्य जी या फिर शंकर प्रसाद। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उनके मंसूबे हैं क्या। सर भी यही समझते हैं, शंकर प्रसाद उस जांच कमेटी में अपने लोगों को बनाए रखने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन असमंजस की बात यह है कि हमें उस मुद्दे को खुले तौर पर उठाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो जांच कमेटी है वो सिर्फ नाम के लिए प्रदेश सरकार की कमेटी है, असल में वो शंकर प्रसाद की कमेटी। आचार्य जी, बड़े अफसोस की बात है कि कुछ मजबूरियों की वजह से सच्चाई के रास्ते पर चलना कितना मुश्किल हो जाता है, इतने मजबूर हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमारे लिए यह फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि हम करप्शन के विरोधी हैं या समर्थक। आचार्य जी, हम भ्रष्टाचार का तो विरोध करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश, क्या यही हमारी फितरत है? पता नहीं ये हमारी फितरत है या राजनीति है। खैर, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया जो शंकर प्रसाद की इस शर्त को मान लिया। आचार्य जी, मुख्यमंत्री जी तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी।
गृह मंत्री जी ने उन्हें कुछ समझाया और फिर अपनी बात मनवाई। अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं मानती तो क्या होता? शंकर प्रसाद का यह दावा और मजबूत हो जाता कि उसके खिलाफ ये जनहित याचिका खुद मुख्यमंत्री जी ने करवाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, यही बात गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को समझाई थी, उसके बाद ही वो मानी। उनको बताया गया कि अगर ये वाली बात नहीं मानी जाएगी तो शंकर प्रसाद जी का दावा ही सच मान लिया जाएगा। पर मुझे तो लगता है इन सारी बातों के पीछे शंकर प्रसाद जी का हाथ है। मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री जी को मजबूर करने के लिए शंकर प्रसाद जी ने ये झूठा इल्जाम लगाया है कि ये जो याचिका दायर हुई है इसके पीछे मुख्यमंत्री जी का हाथ है। जबकि ये झूठ है, सरासर झूठ है। निधि, अरे आदित्य, तुम यहां? हाँ, मैं बाहर हॉल में बैठा था, तुम्हें आवाज दी तो तुमने सुनी नहीं, मैं यहाँ आ गया। माँ भी आई है तुम्हारे साथ? नहीं, वो गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग है, तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से मीटिंग अभी तक चल रही है। कैसी गड़बड़ी? ना नहीं निधि, लेकिन कुछ तो हुआ है, तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। श्योर। सारी फाइलें मेरी वजह से पास हुई, उसका फायदा मैंने उठाया, अब ज्योति की वजह से वो बात खुल चुकी, अगर छानबीन शुरू हुई तो मामला कभी भी सामने आ सकता है। निधि के साथ मेरी शादी टूट सकती है, और अगर निधि मेरी रही तो सिर्फ मेघना मैडम को ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी मुझे बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे लिए यह निधि कवच बन सकती है, लेकिन मुझे निधि को उस हालत में पहुंचाना होगा कि निधि किसी और की बनने के बारे में सोच ही ना सके। हाँ, मुझे ऐसा ही करना होगा, और आज ही करना होगा। लोगों के दबाव में आकर मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया, और आज वो अंदर से कितनी दुखी हैं, ये मैं उन्हें देखकर आ रही। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? हाँ अंकल, आज मीटिंग से लौटने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को अपनी सीट पर बैठे रोते हुए देखा, वो अंदर से एकदम टूट चुकी हैं। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अगर करोड़ों लोगों का भला करने के लिए एक झूठ बोलना पड़े, भगवान भी उस झूठ को माफ कर। हाँ बेटे, तुमने अच्छा किया कि उन्हें ये बात समझा दी। लेकिन पापा, ऐसा कब तक चलेगा? पुरानी सरकार के पापों का बोझ नई सरकार कब तक ढोती रहेगी? देखो बेटे, कुछ कड़वे घूंट भी नहीं पड़ते, ये हमारी मजबूरी है। आखिर कब तक पापा राजनीति में ये मजबूरी रहेगी? कब तक बेईमान लोग ईमानदार लोगों के रास्ते की रुकावट बनते रहे? क्या कभी ईमानदार लोगों को ईमानदारी से प्रदेश का विकास करने का मौका मिलेगा? क्यों राजनीति से ये भ्रष्टाचार का शब्द गायब नहीं हो जाता? क्या राजनीति को भी हम एक जनसेवा के तौर पर ले सकते हैं? आखिर कभी वो दिन आएगा पापा? बेटे, तुम्हारे इन सवालों का फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए तुम? जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तुम पूछ बैठती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन देवव्रत जी, ईमानदारी के नाम पर कुछ भी हो सकता है, और किसी को बेईमानी के रास्ते पर चलने से रोका जा सका है भला? जिंदगी का भंवर है। लेकिन निधि,
जब मैं अकेला होता तो दिन हो या रात, एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल मेरे दिमाग से नहीं उतरता। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाता, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया हूं। मैं चाहता कि तुम मेरी आंखों सामने रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। दीदी, जी चाहता है कि मैं तुम्हें बाहों में भर लूं और खूब प्यार करूं। लेकिन दीदी, फिर दिल डरता है कि कहीं तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो क्या? मेरी तो जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी। नीति, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। नीति, अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। नहीं आदित्य, मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी। तुम मेरा प्यार हो। दरअसल पार्टी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि मेरी बात झूठ नहीं है। सुनील पंडित शारदा देवी का, हाँ हाँ, मैं ये बात साबित करूंगा। बिल्कुल, देखिए मैं इस बात के लिए अपना मन बना चुका हूं। मैं उसे ही लाकर देवव्रत जी और आचार्य जी के सामने खड़ा कर दूंगा। रजनी जी, एक बार ये मामला मेरी पकड़ में आ जाए बस, फिर देखिए शारदा जी को कैसे बेनकाब करता हूं। रजनी जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूं, दरअसल देवव्रत जी का फोन है। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। नमस्कार महासचिव जी। मुबारक हो, आखिर आपने अपनी बात मुख्यमंत्री जी से मनवाई ली। और अब यह बात तय हो चुकी है कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा।